अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। शनि देवता हैं, शनि न्याय के देवता हैं। हमें शनि से डरना नहीं है, उनसे प्रेम करना है। और प्रेम हम तभी करेंगे जब हम अन्याय नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति हमें सही सीख दे रहा है, उससे हम दोस्ती तभी करेंगे जब हम सही करेंगे। शनि से डरने की तबीयत जरूरत तब है जब शनि महाराज के अनुसार, मतलब हम न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता है, वो न्यायाधीश हैं, देवताओं में उनको न्यायाधीश का ओहदा मिला है। तो तात्पर्य यहां ये आता है, शनि किनका क्या नहीं बिगाड़ता। जैसे मान लीजिए 7.5 आती है, निश्चित वो ग्रह है, ग्रहों का अपना प्रभाव रहेगा। 2.5 साल मस्तक पर रहेगी, 2.5 साल पेट पर रहेगी, 2.5 साल पैरों में रहेगी, मस्तक परेशान रहेगा, पेट से संबंधित बीमारियां होंगी जब पेट पे आएंगे, जब पैरों से पे आएगा तो पैरों से संबंधित या गलत चाल चलन या गलत जगह चले जाना या एक्सीडेंट करवा देना, पैर में रोग हो जाना, सो मेनी थिंग्स आर देयर। पेट में भी यही, जब पेट पर आएगा तो पेट से संबंधित बीमारियां और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके दुष्प्रभाव कब हैं, जब हम गलत हैं। लेकिन जिसके जीवन में भगवान का चिंतन है, निरंतर चिंतन है, वहां ये नहीं पहुंचते। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि हनुमान जी पर घी का करें कि तेल का करें, तो मैंने दो उनको बोला कि जब आप मंगलवार को चूल्हा चढ़ाएं तो देसी गौ माता के घी का चढ़ा सकते हैं, अगर आप शनिवार को चढ़ाएं तो तेल का चढ़ाएं। अब ये इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है। मैंने ये भी कहा चमेली का तेल, तिल का तेल और सरसों का तेल। तो अगर आप तिल या सरसों के तेल से आप हनुमान जी को चोला दे रहे हैं, और हनुमान जी को अगर आप वो तिल दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके शनि महाराज कभी कुछ प्रॉब्लम कर ही नहीं सकते। हम गलत करेंगे तब भाई सजा कम मिलती है, जब हम गलत करेंगे। तो जो न्याय के देवता हैं, हमने उनको भय का देवता बना दिया, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।